सुमेरपुर विधायक पशुपालन व डेयरी गोपालयान एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत इंदिरा कॉलोनी के स्थित किसान केसरी गार्डन में राजपूत समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गर्व की बात है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 में विकसित भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने अच्छा काम किया, चुनाव में किए गए 42% वादे पूरे किए, राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जनता सर्वोपरि है। जरूर हमें कुछ कमी रही होगी, इसलिए इस बार जनता का समर्थन कम मिला, अगले चुनाव में फिर से मेहनत करेंगे। वहीं इसके अलावा अयोध्या में पार्टी की हार को लेकर प्रतिक्रिया दी है, कहा भाजपा ने बेहतर काम किया, हार जीत होती रहती है, यह अयोध्या वासियों को सोचना चाहिए था कि उनके लिए बेहतर काम कौन कर सकता है। जब उनको एहसास होगा कि यहां से भाजपा को नहीं जिताकर उन्होंने खुद को ही नुकसान किया है, तो फिर से भाजपा को जिताएंगे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कैबिनेट मंत्री का माला एवं साफा द्वारा बहुमान भी किया गया। इस मौके पर अनेक भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं और शीघ्र ही वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और जो उनका संकल्प है विकसित भारत 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है, तो इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। राजस्थान में निश्चित रूप से भजनलाल जी की सरकार 6 महीने के अल्प कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और जनता से जुड़े हुए काम किए और अपने जो संकल्प पत्र में जो वादे थे उसमें से 42% वादे तो अभी 6 महीने के कार्यकाल में पूरे कर लिए। आने वाले समय में राजस्थान भी विकसित राज्य बनेगा, इस दिशा में काम करेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान आगे बढ़ेगा। जो सीटों का लॉस हुआ राजस्थान में, उसको लेकर क्या सोचते हैं? सीटों जनता का आशीर्वाद मिलता है और निश्चित रूप से कोई कमी रही है तो हम आगे और प्रयास करेंगे, हमें जनता का पूरा आशीर्वाद मिला। अयोध्या में जो राम मंदिर का मुद्दा था चुनाव से पहले बनाया, लेकिन अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या ऐसे हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण सीट है, वहाँ भगवान राम जी 500 सालों के बाद में अयोध्या में मंदिर में विराजे हैं और ये अयोध्या वासियों को तय करना था कि वो भगवान राम जी के जो बताए हुए आदर्शों पर चले और वहाँ पे राष्ट्रवादी लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करे और सनातन जो प्रेमी लोग हैं, सनातन को लेकर के चलने वाले, जो हिंदुत्व को लेकर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे। ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने कहीं की कमी रखी है तो निश्चित रूप से जब भी उनको महसूस होगा तो आगे वो हमारा भी समर्थन करें। तो सोने माजी जो गाँव है वहाँ आज भी लोग ना पड़ता है, जाके लाना पड़ता है, तो आप वहाँ से सुमेरपुर विधानसभा विधायक और मंत्री भी उस समाचार के लिए सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी गांव, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ जोड़ी का पानी नहीं पहुँचता। हो सकता है कहीं कोई बीच में पाइपलाइन लीकेज थी और वहाँ जो जवाई बांध से पानी आ रहा है वो 5 दिन तक पाइपलाइन लीकेज रही, उस दरमियान किसी को तकलीफ हुई होगी, लेकिन सभी गाँवों में जवाई का पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँचता है।